एचपी टैट भर्ती स्कूल और कॉलेजों में भरे जाएंगे 4,000 पद। टीजीटी, जेवीटी, सीएलबी, शास्त्री, भाषाध्यापक, पैट, डीएम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हिमाचल के स्कूल और कॉलेजों में भरे जाएंगे शिक्षकों के 4,000 पद। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में जल्द 4,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने वित्त महकमे से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके बाद प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीधी भर्ती के अलावा कुछ पद बैच वाइज भी भरे जाएंगे। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में स्वीकृत रिक्त पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 4,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। टीजीटी, जेवीटी, सीएनडीबी, शास्त्री, भाषाध्यापक, पैट, डीएम, तबला प्रशिक्षक और कॉलेज प्रवक्ताओं के पद भरे जाएंगे। पीटी, ड्राइंग शिक्षकों और तबला प्रशिक्षकों की काफ़ी समय के बाद भर्ती की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षक के तहत टीजीटी, जेवीटी और सीएनडीबी के करीब 2,500 पद भरे जाएंगे। शेष पदों को उच्च शिक्षा के तहत भरा जाएगा। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के 1 माह के भीतर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और लोक सेवा आयोग शिमला के माध्यम से पद भरे जाएंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वित्त विभाग को इस बाबत प्रस्ताव भेजा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जो पूरी आपके साथ शेयर कर दी है। और जरा सी भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।